अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मालिक, आपका सामान। हाँ, मुक मुक। या कुली, या भाईला। और कुछ आवश्यक काम है? नहीं, ऐसी कोई आवश्यक बात तो नहीं है। मुझे एक आवश्यक बात कहनी है। वो बा ने कहा है कि अहमदाबाद जा रहे हैं ना, तो वहाँ से आते समय मुरब्बा और अठाना लेते हुए आइएगा। अरे हाँ हाँ, ले आऊंगा। मेरी गाड़ी आ रही है ना, तो कैसी बात अठाने में को लेके बैठी है यार। मैं क्या बोल रहा था खबर से, तूने साड़ी पहनी ना सारू थे वो। मैं तुझे बोलने वाला था, पर तेरा गुस्सा देख के ना नहीं बोला, सास ही नहीं हुई। मुझे भी कुछ कहना है। हाँ बोल बोल। आपने अपनी दवाइयाँ ले ली है ना याद से? हाँ हाँ, दवा ले ली। तो ये सब बात छोड़ना, मैं बिजी बात कर रहा था तेरे साथ। हाँ मालिक, आप जब वापस आएंगे तब बात कर लेंगे, अभी आप जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी। कंपटीशन में जा रही हूँ ना? हाँ मैं जा रही हूँ। ग्रेट, मैं भी जा रहा हूँ। एक्चुअली दरवाजा चाहती हूँ, कंपटीशन शुरू होने में थोड़ा सा ही वक्त बचा, चले? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं मुंगी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता नहीं बनाएगी। और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, समझे? So don't even look at her. You get that? फिर वही घिसी पिटी बातें। Listen you, बिरवा मायावंशी, तुम मुझे अब नहीं रोक सकते। अब जब तुमने मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं छोड़ी, तो मैं मुंगी को कैसे छोड़ दूँ? मैं वही करूंगा जो जो मैं चाहता हूं, जो सारंग चाहता है। आज सुबह भी तुम किसी बिजनेसमैन को लेके आए थे पापा से मिलाने के लिए। जब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिला, तो तुम पापा को फंसाना चाहते हो अपने जाल में। अरे तुम्हारे जाल में फंसना तो दूर, तुम्हें लगता है पापा तुम्हारी मदद भी करेंगे? जब उन्हें पता चलेगा मुझसे शादी करने के बाद भी तुम मुंगी के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो, अरे तुम्हें उठा के फेंक देंगे जैसे इनडायरेक्टली उस बिजनेसमैन को फेंक दिया। आई होप तुम मुंगी से दूर रहोगे और उससे बात नहीं करोगे और उसके सामने एक अच्छे पति की तरह पेश आओगे। यू अंडरस्टैंड सारा? आखिर तुम्हें मुंगी की इतनी फिक्र क्यों है? दैट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। इन फालतू सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे कंपटीशन के लिए देर हो रही है। बाय। हाँ मैं बहुत गुस्सा हूँ मालिक से, फिर भी मैंने ये साड़ी पहनी क्योंकि वो मुझे ऐसी साड़ी में देखना चाहते थे और मैं चाहती थी कि वो देखे। वो मुझसे बात करना चाहते थे और मैं भी करना चाहती थी, फिर भी मैंने बात नहीं की। और अब मुझे इतना बुरा लग रहा है, पहले उन पे गुस्सा थी, अब अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। मुझे पता है मालिक, आप बोलना चाहते थे कि मैं इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हूँ, पर मैं इतने गुस्से में थी कि साड़ी तो पहन ली पर आपको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया मैंने। मैं भी बाकी पत्नियों जैसी हूँ, चाहती भी हूँ कि वो मुझे देखे और मुझे गुस्सा दिखाना। काश मैं बोल पाती उनसे कि आपके जाने के बाद
मुझे आपकी बहुत याद आएगी, पर मौका ही नहीं मिला। अरे मौको तो अजू भी तारा पाछड़ अच्छे जो ने। मने याद आने का तो प्रश्न भी नहीं आता ने, क्योंकि तू मेरे साथ जा रही है। इतले मालिक आप गए नहीं ना? ट्रेन तो छूट गई ना? हाँ ये ट्रेन तो गई, पर बीजी ट्रेन आएगी ना, उसमें तूने मैं साथ में जाएंगे हम मालिक। पर हाँ हाँ खबर छे मने, केवा सीधी अहमदाबाद न जती, पर ठीक छे ना, घूम घूम के जाएगी, तूने मैं भी घूम घूम के जाएंगे, दो दिवस बाद में पहुंचेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तू भी मेरे साथ जाएगी। पर मालिक मैंने कपड़े नहीं लाए साथ में, मैं कैसे आ सकती हूँ? चल ले, मैंने भी अपने कपड़े फेंक दिए, हनीमून पे जाते ना लोग तो नवी खरीदी करते ना, चल नवी खरीदी करेंगे ने, नवा नवा कपड़ा पहन के घूमेंगे। हाँ चल हनीमून। आज तो पति पत्नी जाते हैं ना हनीमून पे, तूने बताया था ना कि लगन होता है उसके बाद घूमने जाते हैं हनीमून पे, मेरा काम भी हो जाएगा ने हनीमून भी हो जाएगा, बराबर छे ने वा? चल हल। पर मालिक ये ने जो अबे नानी कहती हूँ गाड़ी आने का टाइम हो गया, चल ने जो अभी हम लोग जा रहे ना तूने में वो झगड़ा नहीं करो, चल हल हल। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज यहाँ सूरत में ना सिर्फ गुजरात से बल्कि पूरे हिंदुस्तान से हीरे तराशने वाले कारीगर आए हैं इस कंपटीशन में भाग लेने। दिए हुए समय में जो सबसे अच्छा हीरा तराशेगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा, द बेस्ट कारीगर। वैसे पिछले 3 सालों से बिरवा माहियावंशी ही ये कॉम्पिटिशन जीतती आई है। मिस्टर धर्मराज माहियावंशी जी की कंपनी को रिप्रेजेंट करके। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस साल इस कॉम्पिटिशन मैं खुद की कंपनी रिप्रेजेंट करूंगी। धर्मराज माहियावंशी डायमंड वर्क्स को नहीं। तो फिर मिस्टर धर्मराज माहियावंशी जी की कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैं। इस साल धर्मराज माहियावंशी डायमंड वर्क्स को रिप्रेजेंट मैं करूंगी। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कंपटीशन। हेलो सारंग। अरे वंश तू यहाँ कैसा है यार, और तेरा भाई रुद्र कैसा है? रुद्र भाई इज़ फाइन, और ही टोल्ड मी अबाउट योर मैरिज। एनीवेज़ टेल मी हाउ इज़ योर लाइफ, और बीवी कैसी है? लाइफ इज बोरिंग, और बीवी उससे भी ज्यादा बोरिंग। शादी के दिन पता चला कि उसके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए अब ससुर साहब को बता रहा हूँ। वैसे तू यहाँ से जा यार, सब जानते हैं कि तू रुद्र का भाई है, और अगर किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। I'll see you later. ओके, यही पे मिलके जा। हमारे पहले 4 प्रतियोगी हैं योगेश भाई, प्रेमचंद जी, प्रतीक भाई और रामकिशोर जी। समझ में नहीं आता किसे सपोर्ट करूं, एक तरफ पापा की कंपनी और एक तरफ बहन की कंपनी। मैं तो बिरवा के साथ हूं, उससे इतना प्यार जो करता हूं उसी को सपोर्ट कर रहा हूं। तुम्हें ठीक से हीरा पकड़ना भी नहीं आता तो तुम तराशोगी क्या? उठो जरा पास।
मैम आप जा रही हैं? हाँ तो मैम पर ये सारी हीरे तुम तराशोगी? क्यों नहीं तराश सकती? हाँ नहीं मैम, पर आपके जैसे नहीं तराश सकती। नहीं आता है तो सीखो, तुम ये सारे हीरे तराशोगी वरना आई विल किल यू, गेट इट? अगला राउंड बिरवा माहियावंशी, विपुल मेहता, राजेश जोशी, राणे सिंह और मोंगी वागेला। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।